जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी हद तक घुसी हुई हैं और लगभग बहुत से अधिकारी इसमें लिप्त हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में ये बात है कि चाहे पूर्ति निरीक्षक हो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई अधिकारी हो, बगैर पैसा लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा रहा है और बगैर पैसे से गरीब लोगों को, अगर उन पर किसी कोई पैसा नहीं है तो उन लोगों को सताया जा रहा है। 200-200 रुपये, 500-500 रुपये लेकर उन खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उन लोगों को, अमीर लोगों को पात्र कर रहे हैं, गरीब लोगों को अपात्र कर रहे हैं, जिसकी अभी भी लिस्ट जारी हो चुकी है। जब भी किसी गरीब अपना कार्ड जो भी लेके जाता है तो उनसे यही कह देते हैं जो नाम कटा हुआ है, ज्यादा लोग शामिल हो गए उसकी वजह से अब उन लोगों को डिलीट करा जा रहा है और उसमें डिलीट भी गरीब ही लोग हो रहे हैं। जैसे कि खबर मिल रही है कि रातों को भी यहाँ पर पर्ची निकाली जा रही है, 1,500-2,000 रुपये तक लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जो भी ये बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि रात में करीब 7-8 बजे के टाइम भी ये पूर्ति निरीक्षक कार्यालय खुला रहता है।